दोस्तों यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 4% बढ़कर 243 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, कंपनी को अभी भी लॉस ही आया है। और जो टोटल लॉस यहाँ पर है वो है 3.78 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 7 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर अभी भी कंपनी लॉस में है, अभी भी जो कोविड के चलते जो इश्यूज चल रहे हैं वो अभी तक कंपनी में बने हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल और मई दोनों महीनों में यहाँ पे लॉकडाउन रहे हैं, तो ये वाला क्वार्टर भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। और देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 21% का डिक्लाइन कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो देखिए, अभी भी यहाँ पर कोई रिकवरी के साइन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब यहाँ पे रिकवरी आएगी तो मेरे ख्याल से शेयर का प्राइस भी वैसे आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब एट दी एंड अगर हम लॉस की बात करें तो कंपनी को यहाँ पे 3.78 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। देखिए, यहाँ पर अभी तक सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन जो कंपनी का शेयर का प्राइस है मेरे ख्याल से उसमें पहले से ही ये चीज़ें फैक्टर इन हैं। अब ये देखिए, 5,112 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कंपनी लॉस में है। अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 8.38 टाइम्स का निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है और हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता था। तो यहाँ पर एक इशू जो कंपनी के अंदर है वो यही है कि कोविड जब तक रिकवर नहीं होगा, जब तक कोविड फ्री इंडिया नहीं बनेगा, तब तक कंपनी के लिए रिकवरी के साइन नज़र नहीं आएंगे। अब ये देखिए, पिछले साल भी लास्ट क्वार्टर की वजह से, जो पिछले साल का लास्ट क्वार्टर था मार्च एंडिंग में, तो उसकी वजह से यहाँ पे पिछले साल रेवेन्यू कम हुआ था और प्रॉफिटेबिलिटी भी पिछले साल कंपनी की कम हुई थी। और एक बार कंपनी में लॉस आ गई है, मतलब कंपनी लॉस में आ गई है, इसका मेन रीज़न है कोविड, तो ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये देखिए, लेकिन जो चीज़ें इसके शेयर के प्राइस में फैक्टर इन है वो पहले से, ये देखिए 647 का इसका हाई है और 366 पे यहाँ पे इसका शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे मोटा मोटा ये 50% डिस्काउंट पे ये शेयर अभी आपको मिल रहा है। तो जो इसके फंडामेंटल्स को अगर हम देखेंगे तो वो फंडामेंटल्स इसके शेयर के प्राइस में पहले से फैक्टर इन हो चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टेड रहिए, अगर लॉस में है तो यहाँ पर एवरेज कीजिए, लेकिन आपका यहाँ पे पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप एक दो महीने के लिए ले रहे हो तो एक दो महीने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं होगी, क्योंकि ना तो मेरे को पता है ना आपको पता है कि कोविड कब तक चलने वाला है और कब तक यहाँ पे रिकवरी के साइंस नज़र आएंगे। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो यहाँ पर बैट लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।